जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पार्कम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जीके 2020 भाग 39 के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं। तो आइए आज का पहला सवाल है, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है नीमुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। और अगर पूछा जाए कि भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। कौन किए थे? किए थे भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना, तो बहाउद्दीन जकारिया। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मुइनुद्दीन चिश्ती ने की और सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना बहाउद्दीन जकारिया ने की। इन दोनों को आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। ओके, तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में विकसित हुआ। ओके, एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित हुआ, याद रखिएगा इसको। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका। ओके, अब बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय सरकार या जातीय पंचायत। ओके, ये याद रखिएगा। अगला है, चौखंडी स्तूप कहाँ है? चौखंडी स्तूप सारनाथ में है। धामिक स्तूप सारनाथ में है। रानाभर स्तूप कुशीनगर में है। तो फिर से याद करिए, धामिक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। चौखंडी स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। उसके बाद रानाभर स्तूप कुशीनगर में है। सांची स्तूप एमपी में है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारे स्तूप आप याद रखिए। गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद में है या संविधान के किस भाग में है? तो गोपनीयता का अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 में है। गोपनीयता का अधिकार संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित है। तो गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। ओके, हब्बल का नियम संबंधित है। हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है, खगोल विज्ञान से संबंधित है। तो हब्बल ने खगोल विज्ञान से संबंधित नियम दिए थे। ठीक है, अगला, पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम, इसको याद रखिएगा। अगला, पाइन सिटी या बाबुइयो शहर ये किस देश में है? पाइन सिटी किस देश में है? तो फिलीपींस में है और फिलीपींस की राजधानी मनीला। तो पाइन सिटी कहाँ है? फिलीपींस में, और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला में है, इसको भी आप याद रखिएगा। एक पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ, नाउ यू ब्रीथ, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राखी कपूर के द्वारा लिखी गई है। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखिका कौन है? राखी कपूर, इसको जरूर याद रखिएगा। भारत को सर्वाधिक उर्वरक आपूर्ति कौन देश करता है? तो भारत को सर्वाधिक उर्वरक का आपूर्ति, भारत को सबसे ज़्यादा उर्वरक कौन सा देश देता है, कौन से आपूर्ति करता है? तो रूस करता है। कौन सा करता है? रूस। तो भारत को सबसे ज़्यादा उर्वरक की आपूर्ति किस देश द्वारा होती है? तो रूस के द्वारा होती है। अगला है, T20 बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता, T20 क्रिकेट बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता किस राज्य ने जीती है? तो वो राज्य है हरियाणा। तो T20 बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता किस राज्य ने जीती है? तो हरियाणा राज्य ने जीती है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे, बेलाडीला की खान किस राज्य में है? तो बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। कद्रेमुख की खान कहाँ है? तो कद्रेमुख की खान कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। खेतड़ी की खान कहाँ है? राजस्थान में है। जावर की खान कहाँ है? तो राजस्थान में है। पन्ना की खान कहाँ है? एमपी में है। पन्ना की खान कहाँ है? एमपी में है। रामगिरी की खान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है?
तो सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। ओके, तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो तराइन का युद्ध हुआ था आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। दो युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। प्रथम युद्ध प्रथम तराइन के प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे और दूसरे तराइन युद्ध में गोरी विजयी रहा। तो 1191 और 1192 में पहले में पृथ्वीराज विजयी रहे और दूसरे में मोहम्मद गोरी विजयी रहा। तो तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। सुंगम लीला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो सुंगम लीला या इसे सुंग लीला भी कहते हैं। सुंग लीला या सुंगम लीला त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। सुंग लीला या सुंगम लीला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। CAG सभी जो सरकार के जितने भी आय व्यय होते हैं उसका विवरण कौन रखता है, उसकी जांच कौन करता है? तो सरकार के सभी खर्चे की जांच CAG करता है। ओके, अब CAG करता है, लेकिन यहाँ सवाल है CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, ये लेखा जोखा किसका नहीं रखता? तो स्थानीय निकाय जो होते हैं, जो पंचायतें होती हैं, उसका लेखा जोखा CAG नहीं रखता है। ओके, तो CAG किस खर्च का विवरण नहीं रखता, किस खर्च का लेखा जोखा नहीं रखता, किस खर्च की जांच नहीं करता? तो जो है CAG किस खर्च की जांच नहीं करता है? तो स्थानीय निकायों के खर्च की जांच CAG नहीं करता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। ओके, प्रथम बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम बार प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था। ओके, 9 जनवरी कब मनाया गया था? तो प्रथम बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। ओके, प्रथम बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। और किस समिति के सिफारिश पर मनाया गया था? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर। किस समिति के सिफारिश पर? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर प्रथम बार 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। ओके, इसको याद रखिएगा। बुक्सा अभयारण्य कहाँ है? तो बुक्सा अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ओके, साथ ही आगे याद रखिए, दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मिजोरम में है, इसको याद रखिएगा। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो वीडियो टेप का आविष्कार किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। कौन किया था? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, GK 2020 के अंतर्गत हम लोग भाग 47 के अंतर्गत निम्न प्रश्नों के विषय में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्नों का कलेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।